मैं द बुलेट कैफे चंडीगढ़ का एडमिन हूँ और आज मेरा क्लब मेरे साथ तकरीबन 8 लोग यहाँ आए हुए हैं मोगा में। हम लोग ने चंडीगढ़ से अपनी राइड स्टार्ट की थी और हम जा रहे हैं सैनी वाला बॉर्डर फिरोजपुर में जो है, और हम एक ट्रिब्यूट राइड लेके जा रहे हैं यहाँ से चंडीगढ़ से। हमारे पास तकरीबन 400 लेटर्स हैं जो लिखी हुई हैं आवाम ने, आम जनता ने, हमारे फौजी भाइयों के लिए जो पोस्टेड हैं बॉर्डर पर। और हमारा मोटिव ये है कि हम ये मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं हमारे फौजी भाइयों को जो पोस्टेड हैं बॉर्डर पे, उनको हम ये बताएंगे कि कैसे आम जनता जो है भारत की वो क्या सोचती है उनके बारे में। तो ये जो लेटर्स हैं ये हमने इकट्ठी की हैं अलग अलग स्टेट से, और हमारे साथ मेरे साथ एक एनजीओ काम करती है, इसका नाम है आई एम स्टिल ह्यूमन, और ये लोग सिर्फ आर्मी के लिए काम करते हैं, आर्मी के अपॉइंटमेंट के लिए। और आज मैं अपने क्लब मेंबर्स, मेरे साथ अतिंदर सर हैं और अमित जी हैं और जज साहब हैं, साथ में गुरप्रीत जी हैं जो कि ये सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को। और आज हम शाम को 4 बजे पहुंचेंगे सैनी वाला बॉर्डर, जहाँ पे हमने परमिशन ले रखी है डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ से, और वो हमको परेड ग्राउंड के अंदर परेड दिखाने के बाद हम लोग ये लेटर्स और कुछ हम स्वीट्स लेके आए हैं चंडीगढ़ से, मिठाइयाँ जो हम बांटेंगे फौजी भाइयों के अंदर। सर, ये शुरुआत कहाँ से किया? चंडीगढ़ से किया? हमने चंडीगढ़ से सुबह 8 बजे अपनी हमने राइड स्टार्ट करी थी और हम अभी 12 बजे पहुंचे हैं मोगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप हमारा सीधा हुसैनी वाला बॉर्डर का होगा, नहीं, जहाँ और पे सर और कोई है डिस्ट्रिक्ट का लड़का जो आपके साथ चलना है उधर? हमारे साथ कुछ लोकल लड़के भी हैं यहाँ के जो कि मोगा से भी हैं, और बाकी हम सब चंडीगढ़ से आए हैं मेजर भी सारे लोग 8 लोग। और हमारा यही है कि मोटिव भी जितने लोग साथ में जुड़ेंगे हमारे साथ उतना अच्छा है, एक मैसेज कन्वे होगा सबके लिए।